हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ वॉलेट। मैं एडवोकेट प्रवीण सिंघल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लॉकडाउन 2.0 में अप्रैल 20th से क्या क्या एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन सी सर्विसेज स्टार्ट हो सकती हैं, कौन सी शॉप्स खुल सकती हैं और कौन सी शॉप्स अभी भी बंद रहेंगी, कौन सी एक्टिविटी बंद रहेगी। आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ऑर्डर आया है। इस ऑर्डर में बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज अभी चालू रहेंगी और कौन कौन सी एक्टिविटीज बंद रहेंगी। लेकिन साथ में ही उन्होंने एक चीज बताई है कि कोई भी कंटेनमेंट एरिया है तो वहां पर एक्टिविटीज को रोका जा सकता है और उन कंटेनमेंट एक्टिविटीज को तब मींस एरिया की एक्टिविटीज को तब स्टार्ट किया जाएगा जब वहां पे केसेस खत्म हो जाएंगे, वो कंटेनमेंट एरिया नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके कि कौन कौन सी एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज, तो सबसे पहला हम कैटेगरी लेते हैं कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स। कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम और आप मोस्टली अफेक्टेड रहते हैं, जैसे कि कौन से ऑफिस खुलेंगे, कौन सी एक्टिविटीज और सर्विसेज अलाउ कर दी गई हैं। तो इसमें सबसे पहले आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज को अलाउ कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या है, 50% ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन ये कब से अलाउड है, 20th अप्रैल से। और साथ में एक और कंडीशन है कि वहां पर लोगों को मास्क लगाना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, और जो भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इश्यू कर रही है उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईटी और आईटी एनेबल सर्विसेज। ई कॉमर्स कंपनीज को अलाउ कर दिया गया है, कोरियर सर्विसेज को अलाउ कर दिया है, कोल्ड स्टोरेजेस, वेयर हाउसेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज को भी अलाउ कर दिया है, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, और जो हमारी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, लाइक प्लम्बर्स की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रीशियंस हो गए, आईटी रिपेयर के लोग हो गए, मोटर मैकेनिक्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, ये लोगों की एक्टिविटीज को अलाउ कर दिया गया है। अब ये सर्विसेज हमें मिल सकती हैं। और इसके बाद अब हम अगर बात करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की, जी हाँ, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सारी अलाउ कर दी गई है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज भी सारी अलाउड है, मंडीज सारी ओपन कर दी है, और जो भी शॉप्स हैं एग्रीकल्चरल मशीनरी से रिलेटेड या उसके स्पेयर पार्ट से रिलेटेड उनको भी अलाउ कर दिया है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या सेलिंग एक्टिविटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और सीड्स भी अलाउड है, ये लोग काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी और रिटेलिंग होलसेलिंग सब हो सकता है। मूवमेंट ऑफ हार्वेस्टिंग एंड सोइंग मशीन्स जो एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, इनकी मूवमेंट, ऐसी मशीनरी की मूवमेंट भी हो सकती है, ये इंटरस्टेट भी हो सकती है या इंटरस्टेट भी हो सकती है। और अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज अलाउड है, तो कोई भी रूरल एक्टिविटीज में अगर इंडस्ट्री है, रूरल एरिया क्या हुआ, जो किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बाहर है वो इंडस्ट्रीज काम कर सकती है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एसईजेड से में जिसका एसेस कंट्रोल है या ईओयू में एसेस कंट्रोल है, इंडस्ट्रियल एस्टेट या इंडस्ट्रियल टाउनशिप में है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वर्कर जो है उस इंडस्ट्री के जो वर्कर हैं उनको उसी साइट पे रहना पड़ेगा, इंडस्ट्री में अंदर फैक्ट्री में रहना पड़ेगा या आसपास की किसी बिल्डिंग में उनको जगह लेनी पड़ेगी उनके स्टे के लिए। और जो वर्कर्स हैं उनका स्टे जो है, उनका आना जाना जो है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ओनर की। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा वीडियो, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से, एक सेकंड लगेगा, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारा मिस नहीं करें। और एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि अगर आप, एक नया वीडियो हम लाने वाले हैं इसके बाद, जिसमें हम बताएंगे कि आप ई पास कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज तो अलाउड है लेकिन उसके लिए आपको पास चाहिए होगा मूवमेंट के लिए, और पास कैसे आपको मिलेगा उसकी सारी हम डिटेल देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्रीज में जो एग्रीकल्चरल, जो भी रूरल एरिया में है, प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स विद विच रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो एक सप्लाई चेन और उसका जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसी कोई भी प्रोडक्शन यूनिट को अलाउ किया गया है। आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अलाउड हैं 20 अप्रैल से काम करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ पैकेजिंग मटीरियल, यस, पैकेजिंग मटीरियल अलाउ किया गया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जूट, ऑयल,
एंड गैस रिफाइनरीज, ये भी अब अलाउड कैटेगरी में आई है फ्रॉम अप्रैल 28। और ब्रिक ट्रेन्स में जो ईंट के भट्टे होते हैं, लेकिन वो कहाँ होने चाहिए? रूरल एरिया में। तो वैसे भी ईंट के भट्टे जो है मोस्टली रूरल एरिया में ही होते हैं, तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनको भी अलाउड है। अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की, जी हाँ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और जहां पर जो उसकी लेबर है, जो वर्कर्स हैं, वो साइट के अंदर ही रहते हैं और रह सकते हैं, तो ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट को अलाउ किया गया है। या कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग एमएसएमईज, लेकिन ये कहां होने चाहिए? रूरल एरियाज में। और रूरल एरिया क्या हुआ? जो किसी भी म्युनिसिपैलिटी की लिमिट से बाहर हो, तो वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को भी अलाउ कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट गुड्स, आई मीन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी ट्रक्स हैं या कार्गो है, मीन करियर होते हैं गुड्स करियर, जैसे ट्रक हो गया, छोटा ट्रक, विक्रम, या हम टेम्पो बोल देते हैं, लेकिन ये रोड पे चल तो सकते हैं अब, लेकिन इनके साथ मैक्सिमम लिमिट क्या है? इनमें दो ड्राइवर और एक हेल्पर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो ट्रक्स है वो हाईवे पे चलेंगे, तो हाईवे पे में जो भी ट्रक रिपेयर शॉप्स हैं या हाईवे के जो ढाबे हैं, तो उनके ढाबा भी खुला रहेगा, और जो शॉप्स हैं ट्रक रिपेयर की वो भी अप्रैल 20 से खुल जाएंगी। और जो गुड्स एंड पार्सल ट्रेन है वो भी चलने लगेंगी, एयर कार्गो भी स्टार्ट हो जाएगा, सी पोर्ट्स एंड इनलैंड कंटेनर डिपोज भी काम करने लगेंगे। और हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि हम जानते हैं पहले से हेल्थ सर्विसेज काम कर रही हैं, जैसे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरीज, या जो मैन्युफैक्चरिंग है ड्रग्स की, फार्मास्यूटिकल्स की, मेडिकल इक्विपमेंट की, ये चालू रहेंगी। और फाइनेंशियल सेक्टर जैसे बैंक्स और एटीएम्स पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट लाइक एनपीसीआई, सीसीआई, ये सब भी काम करना स्टार्ट कर देंगी। और हाँ, इंश्योरेंस कंपनीज भी 20th अप्रैल से काम कर सकेंगी। मनरेगा एम्प्लॉयज जो है, में वर्कर जो है फॉर इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटी, इन सब कामों के लिए बेसिकली प्रायोरिटाइज किया गया है, इसमें वो काम कर सकते हैं। अब जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मेट्रो, बसेस, रेलवेज, ये अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का अदर देन दिस इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अभी नहीं खुलेंगे, लेकिन उनको एक सजेशन दिया गया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, जिससे कि बच्चों का, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका एकेडमिक ईयर वेस्ट ना हो। सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, कोई भी रिलीजियस प्लेस पहले की तरह बंद रहेंगे, और कोई भी सोशल कोई फंक्शन है, रिलीजियस फंक्शन है, पॉलिटिकल फंक्शन है, स्पोर्ट्स फंक्शन है, एंटरटेनमेंट का कोई फंक्शन है, तो किसी भी तरह की कोई रिलीजियस गैदरिंग, ये सब अलाउ नहीं की गई है, ये अभी भी बंद रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ई पास कैसे बनता है उसको हम आपको वो वीडियो लेकर आने वाले हैं। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।